हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यूज चैनल नर्सिंग सखी। आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि फंडल हाइट हम कैसे लेते हैं। फंडल हाइट, कैसे लेते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि यहाँ पे जब बच्चा 12 वीक का होता है तो कहाँ होता है, ए मार्क हैं आपके तीन, एक यहाँ पे है ए सिम्फिसिस प्यूबिस है, यानी पेल्विक बोन है, यहाँ पे प्यूबिक बोन है जो कि यहाँ पे ये क्या है, कार्टिलेज के द्वारा जुड़ी हुई होती है। तो अगर इसके थोड़ा सा एकदम एबव रहता है तो अभी ये 12 वीक ही होता है, और 12 वीक में हमको कोई भी फंडल हाइट सेंटीमीटर में लेने की कोई ज़रूरत होती नहीं है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 12 वीक है तो क्या है, पेल्विक बोन के अंदर ही है, ये यूट्रस और बच्चा दोनों क्या है, पेल्विक बोन के अंदर है। जब 12 वीक कंप्लीट होता है तो हल्का से सिम्फिसिस प्यूबिक से यहाँ पे ऊपर आ जाता है, लेकिन जैसे ही 16 वीक होता है तो ये क्या होता है, यहाँ पे तीन लैंडमार्क थे आपके, एक सिम्फिसिस प्यूबिस, एक अम्बिलाइकल और एक जिपिस्टर्नम, ठीक है। अभी इसके पहले वीडियो में हम पढ़ा रहे थे लेकिन वीडियो ही बंद हो गई थी पता नहीं कैसे, तो इसीलिए सारी चीज़ें पहले से इतनी बनी हुई है, लेकिन अब फिर हम पुनः दोबारा बना रहे हैं तो इतनी चीज़ें इसमें बनी हुई है, तो और आगे की चीज़ें क्लियर होगी इस वीडियो में। तो अगर यहाँ पे हमने देखा कि तीन लैंडमार्क थे, एक सिम्फिसिस प्यूबिस, एक नेवल आरा अम्बिलाइकल इसको कहते हैं, और एक जिपिस्टर्नम है, यहाँ पे हमारे तीन लैंडमार्क होते हैं जो कि 12, यहाँ अगर बच्चा पहुँचा तो 24, और यहाँ पे पहुँच गए तो सीधे 36 हो जाता है, ठीक है। तो ये तीन आपके दिमाग में एकदम होना चाहिए, क्लियर है, इसी के अंदर ही बस केवल इस 24 और ये 12 के बीच में हम दो बार की लाइन बनाएंगे तो इसका कंप्लीट हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ के बीच में भी हम दो बार बस यूट्रस की लाइन को करेंगे तो ये पूरा जो है क्लियर हो जाता है ना। बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे खींच के बताने की कोई ज़रूरत नहीं होती, आपने तीन लैंडमार्क अपने दिमाग में एकदम बैठा लिया है तो आपको याद रहना चाहिए कि बस हम किसके बाद में दो लाइनिंग और करनी है, और 24 और 36 के बीच में दो बार आप हम और लाइन करेंगे, और जो ये दो लाइन होती है जैसे 24 और 36 के बीच में भी जो लाइन होती है वो दोनों बार एकदम समान दूरी की कर लीजिए, ठीक। और इससे नीचे भी अगर है 12 वीक है अगर यहाँ पे, तो इसके 12 और 24 के बीच में भी आप समान दो लाइन खींचेंगे, इस तरह से आपकी ये सारी चीज़ें वीक्स में कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक। तो आप ये चीज़ें इतना दिमाग में रख लिए कि आपके तीन जो माइलस्टोन की तरह बने हुए पत्थर एक बनाए गए हैं काल्पनिक, कि यहाँ पे इतना होगा, इतना होगा, इतना होगा, तो आपने दिमाग में बैठा लिया कि अगर पेल्विस बोन के हल्का सा ऊपर हमको फील हो रहा है तभी ये 12 वीक का है, क्योंकि अभी तो बच्चा और यूट्रस दोनों क्या है कि पेल्विक बोन में है, अब इसके ऊपर है लेकिन यहाँ से नीचे है, यानी कि अम्बिलाइकल से एक तिहाई ये भी नीचे है, तो यहाँ पे 16 वीक कंप्लीट होता है, और इससे ऐसे देखेंगे जब भी अम्बिलाइकल से टू फिंगर नीचे अगर है, तो वन या टू फिंगर नीचे रहेगा तो हमेशा 20 वीक रहता है, ठीक है। इससे बड़ा है और इसके नीचे है तो 20 वीक्स है, बस केवल दो ही बार हमको ऐसे देखिए करना होता है, यानी 16 था तो हमने यहाँ पे ऐसे किया 12 के बाद, तो अभी 16 वीक हो गया, यहाँ से ऐसे किया लेकिन इससे 24 से नीचे है, 24 लिखा है ना, इससे नीचे ही है टू फिंगर, ये टू फिंगर नीचे है, तो यहाँ ये वीक्स 20 वीक्स होता है। जब भी हम फंडल हाइट देखते हैं तो यहीं से शुरुआत करते हैं, 20 वीक्स से ही हमको देखना होता है, ठीक। अब यहाँ पर अगर आ गया है यूट्रस तो कितना हो गया, एकदम एकदम पूरे एकदम अम्बिलाइकल पे ही, यहाँ पे आपको फील ही होगा, और हमने अगली इससे पहले भी एक अगली वीडियो रहेगी कि हम फंडल हाइट कैसे लें और उसको लेते वक्त क्या क्या सावधानियाँ होनी चाहिए, हैं उसमें सारी चीज़ें हमने बताया किस तरह से आपका आपके अपने इन हाथों का इस्तेमाल करना है, और इसको इस चीज़ को क्या कहेंगे और किस तरह से रखना है, क्या पोजिशन है, वो सारी चीज़ें उस वीडियो में क्लियर की हैं। यहाँ के
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक भी रहेगा, तो आप उस वीडियो को पहले देखिएगा, उसके बाद में इसको देखिएगा, तो आपको फंडल हार्ट से संबंधित बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी और इतनी तब भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहले उसको देख के तब आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एक ही वीडियो में सारी चीज़ें बहुत लंबी हो जाएंगी, इतना संभव नहीं है, फिर लंबी हो जाएगी तो बोरिंग भी हो जाती है पढ़ाई उसी वक्त। फिर अब क्या बचा कि हमने 24 वीक्स तक आपका एकदम क्लियर हो गया कि अगर 12 वीक तक हमको लेना भी नहीं होता है, क्योंकि यूट्रस और बच्चा दोनों क्या है, पेल्विक बोन के अंदर है, अगले थोड़ा सा उभार आता है जब भी 12 वीक कंप्लीट होते हैं, यानी महीने में देखते हैं, जैसे 4 वीक का सब 4 वीक्स का एक महीना होता है ना, तो महीने में फंडल हार्ट हमेशा किस में देखी जाती है, तो मंथ में पूछेगा भी तो भी आप क्लियर रह जाएगा, इसकी गणना वीक्स में होती है, लेकिन अगर अंतर का है तो एक महीने बाद का है, ठीक। तो इस तरह से अब हमने देखा कि यहाँ 24 वीक्स तक अगर महीना देखना चाहिए तो यहाँ देखिए, यहाँ पे 3 महीने थे, यहाँ पे 6 महीने है और यहाँ पे इसके 9 महीने कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने इस तरह देखा, आप देखते हैं और हमेशा कितना है इसके और इसके बीच में, आप देखिए फिर 2 लाइन होगी, तो यहाँ से हम चले यहाँ से और 1 लाइन ऐसे यहाँ आ गए, मतलब कि इससे जो है अम्बिलाइकल और जीपी स्टर्नम के बीच में, तो जीपी स्टर्नम से एक तिहाई नीचे ही रहेगा, ठीक है, यहाँ पे नीचे ही रहेगा, बहुत पास में नहीं है, नीचे ही, आप इसको ऐसे 2 फिंगर रखेंगे ना तो अम्बिलाइकल से ऊपर आपको महसूस होगा, तो ये कितना हो जाता है यहाँ पे, अगर यहाँ पे है तो ये विक्स कितना होगा, यहाँ पे जो विक्स है 28 विक्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। अगर यहाँ पे जो अवरोध महसूस हुआ था वहाँ पे कितना था, 24 विक्स थे और यहाँ पे उसके ऊपर है, अब ऐसे 2 फिंगर रखा हमने अम्बिलाइकल के ऊपर, तो अब हमको वहाँ पे एक अम्बिलाइकल के ऊपर अवरोध महसूस हो रहा, तो कितने दिन का बच्चा है, 28 विक्स का। अब अगर हम देखते हैं तो एक और यहाँ पे हमने खींचा, हमें कहे ना कि 3 माइल स्टोन आपके हैं और बस केवल 2 रेखा खींची और आपका कंफर्म हो जाता है फंडल हार्ट। अभी कितने विक्स का हो गया है, ये 32 विक्स का बच्चा है, ठीक। आप यहाँ से खुद ही देखेंगे ना, तो इसके एकदम एक बस एक तिहाई हिस्सा ही छोटा रहेगा, यहाँ से थोड़ा सा नीचे रहेगा और ये पूरा भरा हुआ रहेगा सारी चीज़ें। अब हम यहाँ पे और इसके बाद देखते हैं तो ये आराम से जीपी स्टर्नम तक पहुंच जाता है। अब आपको यहाँ पे कितना एकदम पूरे जीपी स्टर्नम तक ये पहुंच जाता है, हाथ रखने की बड़ी मुश्किल से जगह बनानी पड़ती है। 36 वीक हमारे कंप्लीट हो गए, ठीक। इस तरह से हमेशा हमने देखा कि 3 माइल स्टोन थे, उसके बीच में बस केवल 2 बार अगर हम लाइन खींचते हैं, दोनों की दूरी समान होती है, यहाँ पर हमने बताया ही है आपको, तो इस तरह से हमारे वीक्स पता चल जाते हैं, उसके जेस्टेशनल एज कितनी होती है आपको पता चल जाती है। अब जानते हैं कि इसमें हमने कहा है कि हमेशा देखते वक्त इतना सिक्योर होना चाहिए कि हमें जो भी माँ ने अपनी ईडीडी बताई है उससे उसकी जेस्टेशनल एज क्या होनी चाहिए, मेल खानी चाहिए, जो भी हम देखते हैं वो मेल खाना चाहिए, 3 सप्ताह का या लगभग 1 महीने से थोड़ा सा कम का अगर डिफरेंस आता है तो तुम्हें हमें तुरंत तो उसको डॉक्टर के पास भेज देना है, ताकि एडवाइस डॉक्टर देते हैं और उस हिसाब से उस और अल्ट्रासाउंड वगैरह करा के चीज़ें क्लियर की जा सकती हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि फंडल हार्ट कैसे ले, फंडल हार्ट कैसे ले, तो इस तरह से क्लियर हुई इसमें कि फंडल हार्ट इस तरह से लेनी है। अब एक चीज़ और है कि 36 वीक्स तक देखें, लेकिन इसके बाद 30 जो प्रेगनेंसी होती है सी होती है वो कितनी विक्स की होती है, 40 विक्स की होती है। तो अब इसको कहाँ हमको देखना है, इसको हमको देखना है यहाँ पे, फोर्टी विक्स की होती है ना प्रेगनेंसी। अब 36 वक्त यहाँ था, 40 पे हम यहाँ देखें, लेकिन यहाँ देखने में क्या होता है,
अब आप बंडल ऐड करेंगे तो आपकी तो कमी आएगी, लेकिन उसके चीज़ साथ साथ क्या चीज़ें आती हैं, ये जो महिला के दोनों कोने थे इस तरफ ये क्या है भरे हुए हैं। आप पहले क्या थे 32 वीक्स में ये खाली खाली थे, बच्चा केवल ऐसे उसके एब्डोमेन में था, लेकिन अब क्या है ये चीज़ भी साइड की पूरी भर गई है। ठीक, यही अंतर होता है 32 वीक्स में और 40 वीक्स में, क्योंकि अब यहाँ से लाइटनिंग शुरू हो जाती है। क्या होगा, बच्चा अब 37 वीक्स में जैसे 36 कंप्लीट कर लेता है, 37 to 40 में वो क्या करेगा, उसकी लाइटनिंग होने लगती है। जब कभी भी 36 कंप्लीट हो जाता है उसके बाद मानते हैं कभी भी महिला की डिलीवरी हो सकती है। तो बच्चा अब क्या करता है, धीरे धीरे वो नीचे आने लगता है। तो और भी चीज़ें क्या देखेगी कि अभी आप देख रहे थे 32 वीक्स में फीटल क्या था, बच्चा क्या था, फीटस क्यों वो मूवमेंट कर रहा था और ग्रोथ कर रहा था, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बच्चा देखेंगे अब उतना मूवमेंट नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको उतना ग्रोथ कर लिया, उसको जगह नहीं है, वो फिक्स हो रहा है पूरा नीचे की तरफ आ रहा है, डिसेंट हो रहा है, तो अब वो उतना मूवमेंट नहीं करेगा और कोने भरे भरे हैं पूरे, और 32 वीक्स के पास ही 37 से 40 वीक्स को आप यहाँ पे फील कर सकते हैं। तो आपने अंतर यही है कि यहाँ पे अगर जब आप 32 वीक्स का देख रहे थे तो कोने भरे हुए नहीं थे, अब अच्छा पूरी तरह से मूवमेंट कर रहा था, या नीचे आप फील करेंगे तो बिल्कुल खाली जगह होगी, लेकिन आप जब 37 to 40 वीक्स में फील करेंगे तो कोने भरे हुए थे, यहाँ मूव करेंगे तो भारी भारी उसका लगेगा, क्योंकि एडप उसका आ गया है नीचे और बच्चा आप पहले से कम मूवमेंट करेगा यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें आपको फंडल हाइट कैसे देखें, माँ की फंडल हाइट में कैसे देख करके जस्टिस इसका कैसे पता करें, आपको सब बातें क्लियर हो गई होगी। थैंक यू वेरी मच आप सभी का, क्योंकि आप जरूर दोनों वीडियो देखिएगा तभी आपको बातें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब मिलते हैं आप सभी से अगले अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।